हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा निकाले गए 225 पदों की, जिन पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2019 है। अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलिमेंट्री एजुकेशन में लैंग्वेज टीचर के 155 पद, पोस्ट कोड 730, पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे। बिलासपुर में 10 पोस्टें, चंबा में 13 पोस्टें, हमीरपुर में 13 पोस्टें, कुल्लू में 7 पोस्टें, कांगड़ा में 38 पोस्टें, लाहौल स्पीति में 1 पोस्ट, मंडी में 24 पोस्टें, शिमला में 20 पोस्टें, सिरमौर में 3 पोस्टें, सोलन में 9 पोस्टें और ऊना में 13 पोस्टें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में मैकेनिक इलेक्ट्रिकल का 1 पद, पोस्ट कोड 731, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में मैकेनिक प्रिंटिंग का 1 पद, पोस्ट कोड 732, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कॉपी होल्डर का 1 पद, पोस्ट कोड 733, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डिस्पेंसर का 2 पद, पोस्ट कोड 734, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 3,000 ग्रेड पे। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लेबोरेटरी असिस्टेंट के 6 पद, पोस्ट कोड 735, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 4 पद, पोस्ट कोड 736, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे। हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन में सीनियर साइंटिस्ट के 2 पद, पोस्ट कोड 737, पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 3800 ग्रेड पे। HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में फिटर के थाई पद, पोस्ट कोड 738, पे स्केल 6,400 से 20,200 प्लस 3,050 ग्रेड पे, और इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। पंचायती राज में होस्टल वार्डन के 3 पद, पोस्ट कोड 739, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 2,500 ग्रेड पे। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन का 1 पद, पोस्ट कोड 740, पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 3800 ग्रेड पे। फॉरेंसिक सर्विस में लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 पद, पोस्ट कोड 741, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट में टेक्निकल असिस्टेंट के 3 पद, पोस्ट कोड 742, पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 3800 ग्रेड पे। HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के 14 पद, पोस्ट कोड 743, पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 3800 ग्रेड पे। HP जनरल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियन का 1 पद, पोस्ट कोड 744, पे स्केल 5,910 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में चीफ इंस्ट्रक्टर के 3 पद, पोस्ट कोड 745, पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे। चलिए अब हम बात करते हैं इन पदों के लिए मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। लैंग्वेज टीचर, पोस्ट कोड 730,
क्वालिफिकेशन बीए विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड वन ईयर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन. नेक्स्ट इज मैकेनिक पोस्ट कोड 731 क्वालिफिकेशन 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी टू ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एन आईआईटी और एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयर मेंटेनेंस एंड अनकीप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मोटर्स एंड वेयरिंग इन गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और एन आईएसओ सर्टिफाइड प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस. नेक्स्ट इज मैकेनिक प्रिंटिंग पोस्ट कोड 730 क्वालिफिकेशन 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयर मेंटेनेंस वर्क ऑफ प्रिंटिंग बाइंडिंग एंड मैकेनिकल वर्कशॉप मशीनरी इक्विपमेंट इन गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और एन आईएसओ सर्टिफाइड प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस. नेक्स्ट इज कॉपी होल्डर पोस्ट कोड 733 क्वालिफिकेशन शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज डिस्पेंसर पोस्ट कोड 734 क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 735 क्वालिफिकेशन 10+2 इन साइंस स्ट्रीम और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट कोड 736 क्वालिफिकेशन 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी. नेक्स्ट इज सीनियर साइंटिस्ट पोस्ट कोड 737 क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट इन मेडिसिन केमिस्ट्री और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज फिटर पोस्ट कोड 738 क्वालिफिकेशन मैट्रिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एचपी विद टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ आईआईटी इन फिटर ट्रेड डन थ्रू ए रेगुलर कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज पोस्टल वार्डन पोस्ट कोड 739 क्वालिफिकेशन शुड हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन पोस्ट कोड 740 क्वालिफिकेशन शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 741 क्वालिफिकेशन बीएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 742 क्वालिफिकेशन मैट्रिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट कोड 743 क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इधर केमिकल इन्वायरमेंटल सिविल इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन पोस्ट कोड 744 क्वालिफिकेशन आईआईटी सर्टिफिकेट इन द ट्रेड विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन. नेक्स्ट इज सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड 745 क्वालिफिकेशन शुड हैव पास्ड एटलीस्ट 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट शुड बी ए रिलीज्ड रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी हु हैज हेल्ड द रैंक ऑफ नायब सूबेदार
or above with at least 3 year service as such. एग्जामिनेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 360, एससी एसटी ओबीसी के लिए 120 और एक्स सर्विसमैन के लिए नो फी. इन पदों पर आप 5 मार्च 2019 से 4 अप्रैल 2019 तक आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आज की वीडियो में बस इतना ही. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.